अरे भाई साहब, आप सबसे ज्यादा समझदार हो क्या? इस तरीके से ये हेलमेट उलमुट लगा लिया, उसके बाद में कोरोना से बच जाओगे? ऐसा जो सोच रहे हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से वो बच जाएंगे और उसके बाद के अंदर सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको मैं एक चीज अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि चाइना के अंदर वो ऊपर से लेके नीचे तक वो पॉलिथीन वॉलिथीन के अंदर जो लगा के घूम रहे थे, वो बेवकूफ नहीं है। तुम ज्यादा ज्ञानी हो, और ज्ञानी किस लिए हो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरीके से आपने लगाया, बिल्कुल ठीक है, लगा लिया आपने, मगर ये आपको बचा नहीं रहा है। तो फिर ये क्या कर रहा है? अब थोड़ी देर बाद में आप क्या करोगे, इसको उठा के नीचे रख दोगे ऐसे। अब यहां पे करने में क्या हुआ है, जो यहां पर आके आपके कीटाणु जो चिपके थे, वो सारे के सारे ऐसे आ गए हैं। सर्जिकल मास्क जितने भी होते हैं, उनको सीधा यहां से उतार के और साइड में रख दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, या ऑटोक्लेविंग के लिए भेज दिया जाता है। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं पूरे के पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि आप सभी के सभी लोग मरने वाला काम कर रहे हो। घरों के अंदर रहो और कुछ मत करो। सिर्फ ये आपका कोई बचाव नहीं है, अगर ये बचाव होता तो कोई भी कर लेता। आप इन सब चीजों से बाहर का जो संक्रमण है अपने घर में ला सकते हो और अपने माता पिता को दे सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखो, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि टेम्परेचर आपका जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपको बुखार नहीं पाया जा रहा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको कोरोना का संक्रमण नहीं है। आपको संक्रमण हो सकता है, 4-5 दिन तक आपका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, और इन 4-5 दिनों के अंदर आप न जाने किस किस को जाके कोरोना देके आओगे। घर में तो लाओगे ही लाओगे, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है, नहीं तो पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाएगा, अपने घर में रहना है। सरकारें व्यवस्था कर रही हैं, इटली के अंदर 6,000 लोग मर चुके हैं, स्पेन के अंदर हर रोज इतने लोग मर रहे हैं, वो हमसे आगे हैं। मगर लास्ट के अंदर क्या काम आया? केवल इतना काम आया जो चीन ने लास्ट में किया था। उन्होंने सब जगह कर्फ्यू लगा दिया था, सब बंद कर दिया था। जो मर रहे हैं उनको उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले गए थे और 15 दिन तक सब बिल्कुल ठंडा कर दिया उन्होंने। आप लोग तो मरवा दोगे इस तरीके से, बहादुरी बना के घूम रहे हो। ये बहादुरी सारी धरी की धरी रह जाएगी, घरों के अंदर घुसे रहो। सरकार जो कर रही है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती वो। संक्रमण कैसे फैल रहा है? आप किसी के गेट के हाथ लगा रहे हैं छींक मार के, उससे फैल रहा है। आप एलिवेटर्स के अंदर, लिफ्ट के अंदर अगर आपके पास में संक्रमण है हाथ में और उसके बटन को दबा रहे हो, उससे फैल रहा है। सीढ़ियां तो उतरोगे और सीढ़ियां उतरोगे तो साइड के अंदर हाथ लगाओगे, उससे संक्रमण फैल रहा है। घरों में रहो, ये डराने वाली बात नहीं है, ये समझाने वाली बात है। और सभी को समझाओ कि घर से बाहर निकलोगे तो आप सभी के लिए खतरा हो। और ये जो नेता वगैरह हैं, ये इतने ज्यादा अच्छी तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस बार ये कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ेगा अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो। इससे बचना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सीधी सी बात है, घरों में रहो, कम से कम 15 दिन तक रहो। सरकार चाहे 5 दिन बोले, 10 दिन बोले, मगर ज्यादा से ज्यादा समय तक घरों में रहो। बाहर निकल के देखने की जरूरत नहीं है बाहर क्या चल रहा है, बाहर कोरोना चल रहा है। और आपके घर में क्या चल रहा है? आपके घर में जीवन चल रहा है, उसको चलाइए। और ये जो काढ़े बना रहे हैं, ये अलग अलग नए नए तरीके से सैनिटाइजर बनाना सिखा रहे हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है, इन सबको छोड़िए। और आखिरी बात और सुन लीजिए, ट्रंप ने बोल दिया क्लोरोक्वीन से कुछ फायदा हो रहा है। अफ्रीका में लोगों ने भर भर के क्लोरोक्वीन खाई और इस समय अस्पतालों के अंदर क्लोरोक्वीन पॉइजनिंग से हुए मरीज बैठे हैं। वहां पे वायरस के ऊपर किसी भी तरीके की केमिकल काम करेगा, इसकी पुष्टि करने में कई महीने लगते हैं, वैक्सीन बनने में काफी समय लगता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वैक्सीन बनती है, मगर इस तरीके से अनावश्यक अनाप शनाप उठा के दवाइयां खा ली, कभी कोई एस्प्रिन खा रहा है, कभी कोई बोल रहा है वहां पर हमारे इन डॉक्टरों ने इसकी खोज कर ली है, ये सब फर्जी न्यूज है। और ये सारे के सारे 8वीं 10वीं फेल मीडिया वाले हैं, ये फैला रहे हैं गड़बड़ियां। तुम्हें पता है इलाज करने के लिए कितना समय लगता है? वायरस कितनी बार अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेता है? 20 साल हो गए, एड्स की तो कोई अभी तक दवा बनी नहीं है, और इसके अंदर 5 दिन के अंदर बना लोगे? वैक्सीन इसकी जरूर आएगी, क्योंकि इतने सारे लोग पहली बार इतने तगड़े तरीके से लगे हुए हैं। मगर उसके पहले ये भ्रांतियों वाले और अनावश्यक अनाप शनाप उल्टी सीधी गोलियां खाना बंद कर दो यार। तुम्हारे से मेरे को भी खतरा है और मेरे से तुम्हें भी खतरा है। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, अंत में यही करना पड़ेगा। और अगर जब सबसे अच्छी बात लास्ट के अंदर मैं और बता देता हूं, अगर हमें पता है कि हमारे शहर के अंदर या हमारे मोहल्ले में कोरोना नहीं है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, मगर फिर भी उस मोहल्ले के अंदर नहीं निकलना है, उस शहर के अंदर नहीं निकलना है, उस शहर को छोड़ के नहीं जाना है, और ना उस शहर के अंदर किसी को फिलहाल आने देना है, क्योंकि आपके घर के बिल्कुल बाहर कोरोना चल रहा है।
ये खतरनाक काम है, ये सुनना भी थोड़ा खतरनाक है, मगर हमें ये अगर पता है कि हमारे आसपास में कोरोना नहीं है और हम फिर भी घर में रह रहे हैं तो हमें थोड़ी सी तसल्ली है, वो तसल्ली से हमें रहना है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए खतरा है, उसके बाद में अपने मोहल्ले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। मानव बन जाइए। जय हिंद, धन्यवाद।